क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। तारा के दोनों संक्रमित युवकों ने कोरोना से जंग जीत ली है, सम्मान पूर्वक वह अपने घर वापस आए हैं। तो वहीं उनका स्वागत भी किया गया है, पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया है और विदाई दी गई है। चिचोली के स्वास्थ्य विभाग तथा क्षेत्र के नागरिकों और समस्त जिलेवासियों में अब हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। डॉक्टर राजेश अतुलकर ने कहा है, 2 कोरोना रिपोर्ट आई है जो नेगेटिव है, तो इसी आधार पर कोरोना पॉजिटिवों को अब नेगेटिव रिपोर्ट के बाद विदाई दी गई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। सर, अपनी चिचोली के तारा गांव के 2 कोरोना पॉजिटिव यहां रखे हुए थे जो आज यहां से चले गए हैं। अब क्या होगा, इनका कैसे इलाज करेंगे, क्या होगा, क्या मतलब इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? उन्हें 14 दिन के लिए यहां रखा गया था। और 5 दिन उनका एलोपैथी से इलाज हुआ और 7वें दिन सैंपल लिया था, 10वें दिन उनका निगेटिव आ गया था, 11वें दिन लिया और 14वें दिन निगेटिव आ गया। तो नियमानुसार हमने आज उनकी विदाई कर दी है, डिस्चार्ज कर दिया यहाँ से। अब वो घर जाएंगे, घर में होम क्वारंटाइन रहेंगे 14 दिनों के लिए, होम क्वारंटाइन रहेंगे। इस बीच कोई तकलीफ आएगी तो इन्फॉर्म करेंगे। और क्या कहना चाहोगे आप सर इस बारे में कि आप लोगों को इस कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए? सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, हाथ प्रतिदिन धोए, सैनिटाइज करें। सिस्टर, आपने लगातार यहाँ सेवा दी है और लगातार उन दोनों कोरोना पॉजिटिव के साथ में आप यहाँ पर रहे, तो क्या कहना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे आप क्षेत्रवासियों को? संदेश ये देना चाहती हूँ, सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और जिस तरह की ये बीमारी है सावधान रहें, सतर्क रहें और खान पीन का अच्छा ध्यान रखें, स्वच्छता रखें और क्वारंटाइन रहें और डिस्टेंस का मतलब सब। आपने यहाँ सेवा दी है तो क्या कुछ तकलीफ भी आई होगी आपको, क्या कहना चाहोगे? तकलीफ क्या, पेशेंट जैसे इरिटेट होते थे, उनको लगता था कि यहाँ पे हमको बंद करके रखा है, उनको समझाना मतलब एक तरह से देखा जाए इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ऐसी बीमारी पे। तो बस एक मेडिकल मतलब अंदर से सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है पेशेंट को भी। उनका हौसला आपने बहुत बुलंद किया। जी हाँ, कह सकते हैं। आप निरंतर यहाँ पर वो 2 कोरोना पॉजिटिव की सेवा करते रहे, तो कैसा लगा आपने और क्या मन में आपके विश्वास था कि सेवा करना है हमको? जी, हमारे मन में तो पूरा विश्वास था कि ये लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसमें हमारी जितनी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमारे BMO सर है और कोविड के हमारे तरुण सर है, उनका हमको मार्गदर्शन मिला और हमारे रंजीत सर है इनके द्वारा हमको मोटिवेशन मिला, जिसके कारण हमारे अंदर ये हिम्मत आई कि हम यहाँ पे 12-12 घंटे तक हम यहाँ पे अपनी सेवा दे पाए। और हमारी टीम का हमको पूरा सहयोग मिला और काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की और सारी चीज़ें, और हमारे पूरी टीम ने मिलकर के इनको स्वस्थ करने में काफ़ी योगदान दिया। आप लोग ठीक होके जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे आप क्षेत्रवासियों को? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सब लोग ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे पूरे परिवार को इतने बड़े उससे उभारे हैं, तो मैं सब लोगों का, डॉक्टर्स की टीम का, नर्स का, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सर, आज ये कोरोना पॉजिटिव की छुट्टी हुई है और यहाँ से रवानगी दी है, तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या उपचार लेंगे, कुछ ऐसी जानकारी? आज ये जो है इनकी जो सेकेंड जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, जिनके बाद इनको प्रोटोकॉल के तहत इनको आज घर के लिए रवाना कर दिया गया है। और ये हमारे चिचोली के क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे चिचोली क्षेत्र आज कोरोना मुक्त हो गया है। जो 2 पॉजिटिव केस थे वो नेगेटिव आ गए हैं अब, और इन्हें अब तारा इनके गाँव भेजा गया है, जहाँ पर इनको पूरे परिवार को 14 दिन के लिए घर में होम क्वारंटाइन किया गया है।